हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ आलू गोभी और बीन्स की सूखी सब्जी। रोटी चपाती के साथ इस तरह की सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो चलिए इसे बनाना मैं स्टार्ट करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गोभी को इस तरह से मैं बारीक बारीक तोड़ ली हूँ और बीन्स को भी इस तरह से मैं काट ली हूँ और आलू को भी बारीक बारीक कट कर ली हूँ। तो पैन में डाल लें पानी और उसमें डाल लें 1 चम्मच नमक। तो पहले मैं सब्जी को बॉईल करूंगी। बॉईल करके आप सब्जी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी बन करके तैयार होगा। तो सभी चीज़ों को मैं डाल देती हूँ। आप चाहें तो अपने मनपसंद की इसमें और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। अभी इसमें एक अच्छी सी उबाल आ चुकी है, तो अभी मैं इसको 10 मिनट के लिए और पका लूँगी। तो सब्जी को हल्का सा कर लेना है नरम। अभी मैं गैस को कर देती हूँ बंद और इसे मैं छान लेती हूँ। तो छान करके पूरा पानी सब्जी में से निकाल लेना है। अब इसके लिए बना लेती हूँ मैं मसाला। तो मसाले में लेना है लहसुन, मिर्ची और अदरक और इसे पीस लेना है। पैन में डाले तेल, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सरसों का तेल। सरसों के तेल में आप सब्जी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो बस इसे अच्छी तरह से कर लेना है गरम, फिर उसके बाद डाल देना है बॉईल किया हुआ सब्जी और इसे अच्छी तरह से कर लेना है फ्राई। तो इसे चलाते हुए भून लेना है। मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा गाजर और गाजर डाल करके इसे भून लेती हूँ। अब यहाँ पे सब्जी फ्राई हो चुका है, तो मैं इसे अभी निकाल देती हूँ और इसी पैन में डाल देना है तेल और 1/2 चम्मच डाल देना है जीरा और 1 बारीक कटा हुआ प्याज और 1 डाल देना है टमाटर। टमाटर और प्याज को मुलायम होने तक भून लेना है। अभी यहाँ पे टमाटर प्याज हल्का सा मुलायम हो चुका है, तो अभी इसमें पिसा हुआ डाल देती हूँ मैं अदरक लहसुन और मिर्ची। इस तरह से अदरक लहसुन मिर्ची को मसाले में ऊपर से पीस करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। तो अब इन सभी चीज़ों को एकदम अच्छी तरह से भून लेना है और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता आप तेल में पहले ही डालें, कड़ी पत्ता का बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो अदरक लहसुन मिर्ची को अच्छी तरह से भून लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अदरक लहसुन मिर्ची जो है ड्राई हो चुका है। तो अभी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ थोड़ा सा पानी। अब मैं इसमें डालूंगी सूखा मसाला, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा पानी इसमें मैं ऐड की हूँ। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच किचन किंग मसाला, 1 से 1.5 चम्मच ऐड कर दें और इसे भून लें। अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो आप इसमें गरम मसाला भी या फिर सब्जी मसाला ऐड कर सकते हैं। तो इसे ढक करके भून लेना है। तो 1 से 2 मिनट के लिए इसे ढक करके बीच बीच चलाते हुए भून लेना है ताकि आपका जो मसाला है जले नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाला एकदम अच्छी तरह से पक चुका है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच दही। तो दही आप एकदम ताज़ा लें, ताज़ा दही अगर आपका रहेगा तो जो भाजी है बहुत ही क्रीमी बनेगा। अगर दही खट्टी रहेगी तो खट्टी खट्टी सी स्वाद आएगी। तो कोशिश करें कि दही एकदम फ्रेश लें। दही डालने के बाद 2 मिनट के लिए इसे भून लें और फिर डाल दें इसमें सब्जी और स्वाद के अनुसार इसमें डाल दें नमक या फिर 1 चम्मच के करीब इसमें डाल दें नमक और इसे एकदम अच्छी तरह से कर लें मिक्स। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी और पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से चला लें और चला करके इसे ढक करके पका लें। तब तक पका लेना है इसे जब तक भाजी में मसाला एकदम अच्छी तरह से चिपक नहीं जाए। तो वापस से मैं इसे खोल करके चला लेती हूँ और फिर से मैं इसे ढक देती हूँ
तो इसी तरह से इसे 2 से 3 बार ढक कर के बीच में चलाते हुए पका लेना है। सब्जी में जो पानी था उसको एकदम अच्छी तरह से सुखा लेना है। तो यहाँ पर सब्जी में जो पानी था एकदम अच्छी तरह से सूख चुका है, देखिए सब्जी भी एकदम अच्छी तरह से पक चुकी है। तो जितनी भी सब्जी इसके अंदर मैं डाली हूँ सभी सब्जियाँ एकदम अच्छी तरह से गल चुकी है। तो ऊपर से इसमें डाल देना है हरा धनिया पत्ती। धनिया पत्ती डालने से सब्जी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है सब्जी के अंदर। तो लीजिए, आलू गोभी बीन्स और गाजर की सब्जी बन करके तैयार हो चुका है। तो मिक्स वेजिटेबल बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से, बहुत ज़्यादा ये यमी बनता है। आप इसको टिफिन में भी दे सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।